नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सदस्य केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करेगी। कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.38% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक कोविड मामलों की पुष्टि। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45,60,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात में 50% से अधिक लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लग चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मारे गए स्थानीय निकायों के निर्वाचित पार्षदों के निकट संबंधियों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। मेघालय में हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। और टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। महिला हॉकी में भारत ने ग्रुप ए का मैच जीतकर उम्मीद बरकरार रखी है। और तीरंदाज दीपिका कुमारी कोरिया की आंग सांग से हारकर पदक की दौड़ से बाहर। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में कथित पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध और नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही मॉनसून सत्र के 9वें दिन भी बाधित हुई। पहले सघन के बाद लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी दलों के सदस्य अपने मुद्दों को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने बार बार सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने को कहा लेकिन वे नहीं माने। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से सदन में सुचारू कामकाज के लिए शांति बनाए रखने की अपील की क्योंकि कोविड महामारी और कार्यसूची में शामिल कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कराई जानी है। हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विधेयक 2021 और सामान्य बीमा कामकाज संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किए गए। सदस्यों का विरोध प्रदर्शन जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्षी सदस्य मॉनसून सत्र के शुरू होने के पहले दिन से ही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और कोविड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। विरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष कार्य मंत्रणा समिति में किए गए अपने वायदे और प्रतिबद्धता का पालन नहीं कर रहा है। ये
बोलना चाहता हूं, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों उसमें डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इश्यू बना के दौर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर देयर, देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज, जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएसई में तैयार होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। मैं और बिल भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि प्रश्नकाल थोड़ी ही देर चला, शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने सदन की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और कोविड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। पेगासस मामले पर उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस संबंध में हिंदू समाचार पत्र समूह के निदेशक एन राम और एशियानेट के संस्थापक शशि कुमार द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज इस मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष किया और वे अगले सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गए। सरकार ने कहा है कि टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड के अनुसार विनियमित किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने पिछले 3 वर्ष में दूरदर्शन पर भ्रामक विज्ञापन की कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि शक्ति मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 66 स्व सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को बिना किसी जमानती के 20 लाख रूपये तक का ऋण दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि प्रसार भारती ने आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र के सामने के क्षेत्र को ऊंचा करने का फैसला किया है। इससे वर्षा के मौसम में वाहनों और लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। आज लोकसभा में ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी केंद्र के चारों ओर सड़क ऊंची किए जाने के कारण वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 आपातकालीन व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों के लिए 2020-21 के दौरान 8,257 करोड़ 88 लाख रुपए जारी किए। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में 1,113 करोड़ 21 लाख रुपए जारी किए गए थे। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती पवार ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 आपातकालीन व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी के दूसरे चरण के पैकेज के तहत 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान खर्च के लिए मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण, आदिवासी और उपनगरीय क्षेत्रों सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत ने कोविड महामारी से लड़ने में कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर कार्य किया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के 112वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नवाचारों की दिशा में प्रयास करने के लिए केंद्र की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर 2 प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने वायु प्रदूषण और गर्मी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजनाओं का भी शुभारंभ किया। केरल में कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय दल आज वहां पहुंचेगा। इस दल का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक सुजीत कुमार सिंह कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केरल में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं और केंद्रीय दल कोविड प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद करेगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 45 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 51,83,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर अब 97.38% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 42,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 3,07,00,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल 44,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 18 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 7,91,796 हो गई है। 7,81,153 लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण दर 0.02% है। 18 नए मामलों में से इंदौर में 7, पन्ना में 4, भोपाल और जबलपुर में 2, जबकि रायसेन, सागर और उज्जैन में एक एक मामला सामने आया है। राज्य में सक्रिय मामले 130 हैं, जबकि संक्रमण के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 10,513 है। वहीं कल 7,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से इंदौर जिले में कोविड के मामले बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को आगाह किया और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करी है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में 76% लोगों में जीरो पॉजिटिविटी या एंटीबॉडी की मौजूदगी पाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 14 जून से 6 जुलाई तक यह सर्वेक्षण किया गया था। इस बीच राज्य के 14 जिलों से कोविड का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 98% से ऊपर हो गई है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 48,03,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2,92,00,000 से अधिक कोविड टीके अभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 71,16,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। गुजरात में 50% से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के हवाले से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक लगभग 3,26,00,000 लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात में अब तक 18 साल से अधिक उम्र के कुल 2.48 करोड़ लोगों को कोविड विरोधी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जो उनकी कुल आबादी का 50% हिस्सा है। राज्य में अब तक वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 77.57 लाख हो गई है। इसका मतलब है कि कुल पात्र आबादी के 15% से अधिक लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगवाया गया है। राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नयन जानी ने कहा कि अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर नगर निगमों में 60% से अधिक पात्र आबादी को कोविड विरोधी टीकों की पहली खुराक मिल चुकी है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के कारण बार बार बाधित, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। केरल में कोविड के बढ़ते संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करेगी। कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.38% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक कोविड मामलों की पुष्टि हुई। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45,60,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात में 50% से अधिक लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मारे गए स्थानीय निकायों के निर्वाचित पार्षदों के निकट संबंधियों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। मेघालय में हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए और टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। महिला हॉकी में भारत ने ग्रुप ए का मैच जीतकर उम्मीद बरकरार रखी। तीरंदाज दीपिका कुमारी कोरिया की आंग सान से हारकर पदक दौड़ से बाहर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मारे गए स्थानीय निकायों के निर्वाचित पार्षदों के निकट संबंधियों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधान सचिव ने यह आदेश प्रशासनिक परिषद के 15 जुलाई 2020 के निर्णय के संदर्भ में जारी किए हैं। अनुग्रह राशि का भुगतान उपायुक्तों और जिला विकास आयुक्तों के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। ये परिणाम बोर्ड की सरकारी वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर उपलब्ध हैं। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 93.0% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो असम के इतिहास में पहली बार हुआ है। कुल 10,348 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठतम अंक प्राप्त किए। दूसरी ओर असम उच्च मदरसा परीक्षा का परिणाम 93.18% रहा और 83 विद्यार्थियों ने श्रेष्ठतम अंक प्राप्त किए। कोविड के कारण परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया था और ये परिणाम स्कूल की मूल्यांकन समिति के डेटा के आधार पर घोषित किए गए हैं। मेघालय में आज विज्ञान और वाणिज्य विषय के छात्रों के हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। लाबान बंगाली बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल शिलंग के देवराज नाग ने वाणिज्य वर्ग में 472 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। सेंट एंथनी हायर सेकेंडरी स्कूल शिलंग के रचयिता दास ने विज्ञान वर्ग में 477 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश जब स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, ऐसे समय में यह नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मृत्यु के बाद अदालतों की सुरक्षा और न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। न्यायालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को न्यायाधीश आनंद की मौत की जांच के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। धनबाद के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की सुबह की सैर के दौरान एक वाहन की टक्कर के बाद मौत का मामला दर्ज किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया
रंग बिरंगी खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये आधारित है महान क्रांतिकारी बाबू सत्येंद्रनाथ बोस पर। हम अपने देश की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आज भी खड़ा है कि देश को आजादी गरम दल ने दिलाई या नरम दल ने। सच्चाई ये है कि आजादी के आंदोलन में दोनों ही विचारधाराओं की अपनी अपनी भूमिका रही। देश की आजादी की लड़ाई में ऐसे भी हजारों सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई जिनके बलिदान को इतिहास के पन्नों में वह जगह नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे। ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे बाबू सत्येंद्रनाथ बोस। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। अंतिम प्रणाम मेरे गीत है अनाम अनाम शहीदों के नाम। भारत के अमर सपूत बाबू सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 30 जुलाई 1882 को मिदनापुर में हुआ था। श्री अरविंद घोष के विचारों से प्रभावित होकर वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। महर्षि अरविंद ने 1902 में जतिन बनर्जी को बड़ौदा भेजा ताकि वे बंगाल में क्रांतिकारियों के संगठन को बढ़ाने का कार्य करें। ये वही जतिन बनर्जी थे जो बाद में स्वामी निरालंब के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की प्रेरणा से सत्येंद्र नाथ बोस ने युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए छात्र भंडार नामक संस्था बनाई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार करना था, लेकिन बाद में इस संस्था ने युवाओं को क्रांतिकारी दल से जोड़ने का कार्य भी शुरू कर दिया। सत्येंद्रनाथ बोस स्वभाव से ही गर्म मिजाज के व्यक्ति थे। किंग्सफोर्ड की हत्या कराने के लिए सत्येंद्रनाथ बोस ने ही अपने शिष्य खुदीराम बोस को प्रेरित किया था। किंग्सफोर्ड पर आक्रमण की घटना के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के कारण सत्येंद्रनाथ बोस को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। सत्येंद्रनाथ बोस ने जेल में वीरेन गोस्वामी नाम के मुखबिर की हत्या कर दी। क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और परिणाम वही हुआ जिसकी आशंका थी। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 21 नवंबर 1908 को बोस को फांसी की सजा सुना दी और भारत माता का ये अमर सपूत हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गया। दुनिया की नंबर एक महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का टोक्यो ओलंपिक में अभियान आज समाप्त हो गया। उन्हें व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आनसान ने 6-0 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक की अन्य खबरों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। वेल्टरवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को 4-1 से हराया। और इसके साथ ही भारत की लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 में लवलीना बोरगोहेन ने 4-1 से मुकाबला जीत लिया, ताइपे की चेन को पराजित किया। क्या जबरदस्त प्रदर्शन, जितनी तारीफ करें लवलीना की, आज का दिन उन्होंने बना दिया। यानी कि टोक्यो 2020 में भारत ने एक और मेडल सुनिश्चित कर लिया है। अब सेमीफाइनल में लवलीना का मुकाबला तुर्की की बसनाज सुरमे नेली से होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि लवलीना ने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने भी मुक्केबाज लवलीना को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि लवलीना असम का गौरव है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लवलीना को बधाई देते हुए ट्विटर पर कहा कि पूरा देश आपके साथ है और
हम सबको आपसे स्वर्ण पदक की उम्मीद है। टोक्यो में मौजूद भारतीय मुक्केबाजी संघ के महासचिव सेंटिनल कालिता ने कहा कि लवलीना ने धैर्य और आत्मविश्वास से विपक्षी मुक्केबाज को पराजित कर देश के लिए पदक पक्का किया। उन्होंने कहा कि लवलीना की नजर स्वर्ण पदक पर है। वहीं लाइटवेट श्रेणी में सिमरनजीत कौर हार कर पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं। महिला हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए नवनीत कौर ने गोल किया। इस जीत के साथ भारत के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने की उम्मीदें अब भी कायम हैं। पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की टक्कर अपने अंतिम मैच में दोपहर बाद 3 बजे जापान से होगी। 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में अविनाश मुकुंद साबले ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वो अपनी हीट में 7वें नंबर पर रहे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। महिलाओं की 100 मीटर रेस में दूती चंद और 400 मीटर बाधा दौड़ में एमपी जबीर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राही सरनोबत और मनु भाकर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्वालिफिकेशन में मनु 15वें और राही 32वें स्थान पर रहीं। गोल्फ में अनिर्बान लाहिड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। मुक्केबाजी के विल्टर वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइं ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी निगाह अब स्वर्ण पदक पर है। मेडल तो एक ही होता है, गोल्ड ही होता है, तो उसी के लिए अभी तैयारी करना है मुझे। नेक्स्ट सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का प्लानिंग करना है, कैसे क्या कर किया जाए, कैसे उसको के साथ फाइट किया जाए। बस मैं वही सोच रही थी कि मुझे फ्री होकर स्ट्रेस नहीं लेना है। पूरा इंडिया मेरे लिए प्रे कर रहा है, मुझे पता है, तो मुझे खुद को विश्वास रखना है, मुझे बस अपना 100% देना है, मैं इतना ही सोचा था। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ओलंपिक में बैडमिंटन की महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में जापान की एकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हराया। ओलंपिक खेलों में चीन 16 स्वर्ण पदक सहित कुल 33 पदकों के साथ तालिका में सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद 15 स्वर्ण सहित कुल 26 पदकों के साथ जापान का स्थान है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते रहे हैं। लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पर साझा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं। कोलकाता में अधिकांश सड़कों पर जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा का अनुमान है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, गरज के साथ या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में मध्यम वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे, तापमान 24 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग और आइजोल में बादल छाए रहेंगे या एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इम्फाल में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शिलंग में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पोर्ट ब्लेयर में बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार वर्षा होने की संभावना है, तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के कारण बार बार बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करेगा। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.38% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक कोविड मामलों की पुष्टि। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45,60,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात में 50% से अधिक लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लग चुका है।
जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मारे गए स्थानीय निकायों के निर्वाचित पार्षदों के निकट संबंधियों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। मेघालय में हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। और टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। महिला हॉकी में भारत ने ग्रुप ए का मैच जीतकर उम्मीद बरकरार रखी है और तीरंदाज दीपिका कुमारी कोरिया की आंगसांग से हारकर पदक की दौड़ से बाहर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।